नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 में बुधवार को भारत और अफगानिस्तान क्रिकेट टीमें आमने सामने होंगी। ये भारतीय टीम का तीसरा मुकाबला होगा। अब तक इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम पहली जीत के इंतजार में है। इस मुकाबले में जबरदस्त फॉर्म में चल रही अफगान टीम के खिलाफ भारतीय टीम को सेमीफाइनल के रेस में बने रहने के लिए हर हाल में बड़ी जीत हासिल करनी है। टी20 वर्ल्ड कप 2021 में अब तक भारतीय टीम अपने कद के अनुसार प्रदर्शन करने में नाकामयाब रही है। बीते 24 अक्टूबर को टीम को पहले चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इसके बाद विराट सेना को अपने दूसरे मुकाबले में बीते 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में कीवी टीम ने एक तरफा मुकाबले में भारतीय टीम को 8 विकेट से हरा दिया था। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय टीम के बैटर्स फेल हुए, उसे देखते हुए क्रिकेट विशेषज्ञ भारतीय बल्लेबाज की तकनीक पर भी अब सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में गेंदबाजी भी नहीं चली थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो कुछ खास स्कोर था भी नहीं और गेंदबाजों ने यहाँ भी कुछ वैसा प्रदर्शन नहीं किया जिसकी कोई बात भी की जाए। आपको बता दें, ये मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है और भारतीय टीम को हाल फिलहाल के दिनों में यहाँ कई निराशाजनक मौके मिले हैं। पिछले दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया कप्तान विराट कोहली ने टॉस गंवाए हैं और दोनों ही मौकों पर ये टीम इंडिया को काफी भारी पड़ा है। हालांकि इस दौरान टीम इंडिया की बल्लेबाजी भी बुरी तरीके से फ्लॉप रही है। टॉप ऑर्डर्स के बल्लेबाज रन बनाने में बिल्कुल सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं। केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी अच्छी शुरुआत दिलाने में नाकाम रही है। इसके अलावा मध्यक्रम के बल्लेबाज भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सके हैं। इसके अलावा निचले क्रम में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा भी उस तरीके से योगदान नहीं दे पाए जैसी उनसे उम्मीद की जाती है। तेज गेंदबाजी भी अभी तक फ्लॉप ही साबित हुई है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, यहाँ तक कि दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरने वाले शार्दुल ठाकुर भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। इसके अलावा मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा की जोड़ी भी स्पिन डिपार्टमेंट में कोई खास काम नहीं कर पाई है। वहीं अगर बात अफगानिस्तान की करें तो इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की टीम ने दमदार खेल दिखाया है। हालांकि टीम को कई बड़े टीमों के खिलाफ हार का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन टीम ने अब तक अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी टीम ने काफी हद तक पाकिस्तान को दबाव में डाला था। इसके अलावा नामीबिया और अन्य टीमों के खिलाफ टीम ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। अब देखना है मुजीबुर रहमान राशिद खान की स्पिन जोड़ी के सामने भारतीय बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।